नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनविरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो कक्षा सात का पाठ 15 नीलकंठ, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। पाठ पढ़ने से पहले छोटा सा अपन लेखिका का जीवन परिचय ले लें। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फरुखाबाद में हुआ। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद और माताजी का नाम हेमरानी देवी था। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अद्भुत रचनाएं की और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कहकर हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। इनकी रचनाएं हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया, निरिजा, सांध्य गीत आदि। ये तो थी इनकी रचनाएँ। अब जो है ये जो ले रखा है आपके नीलकंठ, ये ले रखा है मेरा परिवार, जो कि इनका लिखित एक संस्मरण है उसमें से ले रखा है। मेरा परिवार इनकी एक ऐसी रचना है जिसमें इनके जीवन में जो इनके पालतू पशु पक्षी थे उनका वर्णन इन्होंने मेरा परिवार संस्मरण में किया है। और इस पाठ के अंदर नीलकंठ जो है एक मोर है, तो महादेवी वर्मा ने जो इनके पालतू पशु पक्षी थे तो पशु पक्षियों के अंदर जो भावनाएं होती है, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम जैसी भावनाओं का वर्णन इतना मार्मिक किया है कि आप इसको देख पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल अपने समक्ष रेखा चित्र की तरह कल्पित रूप में हमें दिखाई देंगे। यानी अपन महादेवी वर्मा जी की जो भी रचनाएँ पढ़ेंगे ना तो उनके जो पढ़ते समय अपने को ऐसा लगेगा कि अपन उसमें बिल्कुल खो गए हैं और वो संस्मरण एकदम रेखा चित्र में बदलते जाएंगे। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो उनके कल्पित रूप अपने आँखों के सामने ऐसा लगेगा जैसे नाच रहे हो। यानी इन्होंने मेरा परिवार जो संस्मरण है उसके अंदर जो इस नीलकंठ यानी एक मोर है जिसका वर्णन किया है बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से किया है। आइए पढ़ते हैं हम आज उनके द्वारा लिखित ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। यानी उनके घर कोई मेहमान आए थे, उनको वो वहाँ स्टेशन छोड़ने गई थी, लेकिन वापस आई तो जहाँ से वो पालतू जानवर लाती थी, चिड़िया, खरगोश, बिल्ली वगैरह, तो उसका उसको ध्यान आ गया और वो उस ड्राइवर से कहती है गाड़ी को उधर ले चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। यानी उस दुकान पर गए और वहाँ रुक गए। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर हैं और एक मोरनी, आप पाल लो। यानी वो जैसे ही दुकान पर चढ़ती है तो आपने वो कहते हैं जो दुकान वाला के, आपने पिछली बार कहा था मोर लाने के लिए, तो एक मोर वाला आया जो मुझे क्या दे गया, चिड़ी मार जो दो मोर के बच्चे उसको दे गया दुकान वाले को, तो वो कहता है मेरे पास एक मोर है और एक मोरनी है, आप उसे पाल लो। मोर के पंजों से दवा बनती हैं सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब हैं, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। यानी वो कहता है दुकानदार के इसको मारने के लिए, जैसे मोर के पंजों से दवाई बनती इसलिए इसको मारने के लिए कोई और भी लोग इसको लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनको ये मोर और जो ये दो बच्चे थे उसको नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग इसको मारे, तो उसने क्या कह के टाल दिया कि हमारे गुरुजी ने ये मंगवाए हैं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और वो कहता है कि ये रोजगार यानी लोगों को मार कर ही क्या कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं पशु पक्षियों को मार कर। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। यानी जो बड़े मियाँ जो दुकानदार था वो बोलने ही जा रहा था, यानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता, यानी सुनने वाला खुद कह देता भैया रुक जाओ मैं कुछ ना कुछ लूँगा। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोक कर पूछा मोर के बच्चे हैं कहाँ। यानी जो बड़े मियाँ थे
जो बेचने वाले दुकानदार वो बोले जा रहे थे बीच में लेखिका ने रोक कर क्या कहा, अरे भाई वो है कहाँ मोर के बच्चे। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तितरों के समान दो बच्चे बैठे थे। यानी उस दुकान वाले ने, बड़े मियाँ ने इशारा किया कि ये रहे, और उसने उधर देखा तो वो कैसे लग रहे थे, जैसे दो तितर के बच्चे हो। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र से लग रहे थे। संकीर्ण यानी वो पिंजरा कैसा था, बिल्कुल ही छोटा था, ऐसा लगा कि उसको जाली में जैसे फिट कर दिया हो, उसको अंदर डाल दिया हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ भी भाषण मेल चली जा रही थी, यानी वो निरीक्षण कर रही थी, देख रही थी, इधर वो जो बड़े मियाँ थे वो बोले ही जा रहे थे, भाषण मेल चली जा रही थी, यानी मतलब वो रुकते तो थे नहीं, वो बातू ने थे तो वो बातें करते ही जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी की चिड़ी मान ने मुझसे इस मोर जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। वो कहता है, मैं ईमान की कसम खाकर कहता हूँ, चिड़ी मान ने मेरे से कितने रुपये लिए, 30 रुपये लिए। 12 का भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है, तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। वो कहता है, मैंने उससे कहा भी था कि इसमें मोर की कोई खासियत ही नहीं दिख रही और तू मेरे से इतनी कम बड़ी कीमत मांग रहा है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, मुंजी यानी कंजूस, यानी उसने जो बेचने वाला आया था मोर के बच्चों को, उसने उसकी बात नहीं सुनी चिड़ी मां ने। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, यानी किसका ख्याल आ गया, गुरुजी यानी लेखिका का ख्याल आ गया, अछता पछता कर, यानी उसने उसको कितने रुपए दिए, 30 रुपये उसको देने ही पड़े। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी वो लेखिका को कहता है, चिड़ी मान ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने उसको मना भी किया लेकिन फिर भी मैंने उसको दिए, अब आपको जो मुनासिब लगे वो पैसे आप मेरे को इसके दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वहाँ छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। यानी 30 तो उसने नकद दे दिए और 5 रुपये लेखिका ने ऊपर उसको बड़े मियाँ के इनाम के रूप में दे दिए। दोनों पक्षी सावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव हो उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। यानी जैसे ही वो पिंजरे को उन पक्षियों को घर लेकर गई तो उनके घर वाले क्या कहते हैं, तेरे को तो ठग लिया है दुकानदार ने, ये तो तीतर के बच्चे मोर जैसे लगते ही नहीं हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। यानी ये बात कहने पर वो कई बार ऐसे पशु पक्षी पालने का उसको शौक था, वो लाती रहती थी तो ये घर वाले उसको चिढ़ाने लगे तो इनकी दुर्बलता बन गई, यानी वो वास्तव में चिढ़ने लग गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, यानी वो दुखी हो गई इस बात से, मोर के क्या सुरखाप पर लगे हैं, हैं तो पक्षी ही। वो कहते हैं, मोर के क्या सुरखाप के पक्ष थोड़ी लगे हैं, अनोखी विशेषता थोड़ी है, बहुत सुंदर है ये, है तो ये पक्षी, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी वो उसका व्यवहार बदलने लगा, अच्छा होने लगा कि ये कैसे हैं पक्षी, है तो क्या, वो कोई भी है, चाहे मोर हो चाहे तीतर हो, है तो बेचारे पक्षी, अपने को उससे क्या करना। वो उनको रखने का प्रयास यत्न करने लगी कि अब इनको कहाँ रखना है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, यानी लेखिका अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनको ले जाती हैं और पिंजरे का दरवाज़ा खोलती हैं। फिर दो कटारों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, यानी सत्तू यानी आटे की दो छोटी छोटी गोलियां बना के लाई और पानी भी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए हो, यानी छोटे पिंजरे में से निकलकर वो कमरे में घूमने लगे, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी वो उस छोटे पिंजरे में नहीं रह पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ऊपर नीचे इधर उधर घूमने फिरने लगे, उसके बाद लेखिका की एक रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसके अंदर जाकर वो रहने लगे। 2-4 दिन वे इस प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी टोकरी में प्रकट
होते रहे, यानी दिन भर तो वो इधर उधर गुप्तवास यानी कहीं ना कहीं छुप जाते और रात को वो ही वापस उसमें आ जाते। किसमें? वो जो रद्दी की टोकरी थी उसके अंदर। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर, यानी जैसे ही वो आश्वस्त हो गए लेखिका पर, उनको क्या होने लग गया, भरोसा होने लग गया, तो वो कभी उनकी कुर्सी पर, कभी उनकी मेज पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में जाली लगी थी पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, यानी खिड़कियों में तो क्या लगी थी, उनके जाली लगी थी, लेकिन उनको क्या दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था कहीं पक्षी बाहर ना चले जाए। यानी कभी कभी वो अचानक लेखिका बैठी रहती और वह आर्वीभूत हो जाते, यानी कहने का मतलब वो क्या करते, कभी कभी अचानक उनके सामने प्रकट हो जाते, दिखाई देने लगते, कभी छुप जाते और कभी उनको वापस दिखाई देने लगते। मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता, खुला रहने पर चित्रा, यानी कौन है चित्रा यहाँ पर, इसकी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। यानी उन्होंने एक बिल्ली भी पाल रखी थी तो उन्होंने वो क्या करते, वो क्या चाहती थी कि कहीं मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया और मेरी बिल्ली इधर आ गई तो इन दोनों को क्या कर लेगी, खा जाएगी या मार डालेगी, इसलिए उनका वो अनुमान लगाना बहुत ही कठिन था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, यानी जो बिल्ली थी उसके आसपास चूहे आते उनको भी नहीं खाती थी, क्यों, ये सारे जानवरों को पालती थी, जो पालतू थे उनको वो बिल्ली जानती थी, इसलिए वो उनका शिकार नहीं करती थी, और इन जो ये दो मोर के बच्चे लेकर आई, ये मोर मोरनी, तो इनको वो खा ना जाए इसके डर से उनको क्या लगा रहता था, हमेशा डर लगा रहता था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्तुति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए अशाय ही कही जाएगी। यानी वो चाहती थी कि ये दोनों क्या रहे, मेरे कमरे के अंदर ही रहे, यदि बिल्ली के आगे चले गए तो वो कहीं इनको मार न डाले। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरी जीव जंतु का सामान्य निवास है। यानी पहले क्या हुआ, जब कायाकल्प जैसे जैसे ये थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, फिर इन्होंने क्या किया, दोनों को वहाँ जा, इनके सारे पशु पक्षी वगैरह थे तो इनको वहाँ ले जाकर डाल दिया, क्योंकि पालतू होने लगे, सबको जानने भी लगे तो इनको वहाँ ले गए। लेखिका का कमरा कैसा लगने लगा था, एकदम बड़ा, ऐसे जैसे चिड़ियाघर जैसा लगने लगा। तो उसने क्या किया, दोनों बच्चों को क्या कर दिया, ले जाकर वहाँ जहाँ सारे जानवरों को, पालतू जानवरों को उसने रखा था, वहाँ उस जाली में ले जाकर, बाड़े में ले जाकर उनको वहाँ रख दिया। दोनों नव आगंतुकों के ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी होता क्या है, जो वहाँ पे जो पशु पक्षी थे उन्होंने वो इसी उत्सुकता पूर्वक उनको देख रहे थे जैसे कोई परिवार में नया सदस्य आया है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसने चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागिनी आलापने लगे। यानी लक्का एक जाति होती है कबूतर की, वो क्या करता है, जैसे ही इनको देखता है कि उनके बाड़े में नए पशु पक्षी आए तो वो उनके आस पास जाकर नाचने लगा और गुटर गु कर बोलने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी खरगोश भी क्या करने लगे, उनको देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, यानी बड़ा खरगोश तो दूर से देख रहा था और छोटे खरगोश क्या कर गए, उनके आसपास जाकर चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, यानी तोते भी उनके सामने देखने लगे, किसके सामने, उस मोर मोरनी के छोटे बच्चों के सामने। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, यानी वो चिड़ियाघर था उनका भूचाल आ गया, क्योंकि वो जैसे ही वो नए सदस्य अंदर हुए सब उनको देखने लगे, उछल कूद करने लगे, तो ऐसा लगा लेखिका को कि जैसे मेरे चिड़ियाघर के अंदर क्या आ गया, भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः
और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना, यानी इल्ली छोटी होती है जैसे ही वो बड़ी होती है तितली बन जाती है, यानी कहने का मतलब जैसे वो बच्चे थे तो धीरे धीरे क्या होने लगे, उस चिड़ियाघर में पलने लगे और बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलंगी सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, यानी मोर जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके सिर पे कलंगी निकलना है, वो सघन यानी ऊंची और चमकीली, यानी चमकीली उसके सिर पे, आपको पता ही है मोर के सिर पे क्या होती है, कलंगी होती है, सघन यानी वो घनी हो गई और मोर भी अब बड़ा होने लगा। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, बंकिम और पैनी मतलब तिरछी, आपको पता ही आपने देखी होगी तिरछी और मुड़ी हुई, और पैनी मतलब तीखी हो गई उसकी चोंच। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा के छुआ छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति के एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी जैसे जैसे वो मोर बड़ा होता है, मोरनी भी बड़ी होती, आपको पता है या मोर का वर्णन क्या है, उसके जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसके सिर पर, आपने मोर के सिर पर किलंगी देखी है, तो मोर के सिर पर क्या बड़ी सी घनी किलंगी निकल आई और मोर के जो पंख थे चंद्राकार उसमें अलग अलग रंग बनने लगे, ऐसे लगा इंद्रधनुष के समान वो लगने लगा। और कवित्री कहती है कि उसकी चाल को तो आका ही नहीं जा सकता, जिस तरीके से उसका पानी पीना, उसका नीचे झुककर दाना चुगना ऊपर देखना, ये सब कवित्री को आनंदित कर रहा था, मन को भा रहा था, और उसकी गति का तो हम कह ही नहीं सकते, वो बहुत ही अलग तरीके से चलता था, यानी हम उसकी गति का तो अनुमान ही नहीं लगा सकते। यानी मोर क्या हो गया, अब जो बच्चे लाए थे उसमें से मोर जो था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। मोरनी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन मोरनी का विकास अलग तरह से होता है। देखिए, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी मोरनी भी बड़ी होने लगी, लेकिन वो मोर की तरह नहीं थी, उसके बड़े बड़े पंख वगैरह नहीं थे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, यानी उसकी जो नीली आभा थी, नीली आभा जो गर्दन नीले कलर की थी ना, तो उस नीले कलर की गर्दन को देख कर उसका नाम क्या रखा गया, नीलाभ। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। अब देखो, दो बच्चे लाए थे, एक कौन था, मोर, और दूसरा था मोरनी, तो मोर की क्या नीली गर्दन देखकर उसका नाम रखा नीलकंठ, और उसकी छाया जैसी प्रतीत होने की वजह से मोरनी का नाम क्या रखा यहाँ पर, राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, यानी उसको खुद को, लेखिका को पता नहीं चला कि कब वो पूरे चिड़ियाघर घर का नेतृत्व करने लगा और सबकी सुरक्षा करने लगा। यानी मोर सबसे बड़ा था वहाँ पर, तो वहाँ पर रहने वाले सभी जानवरों का वो क्या करने लगा, ध्यान रखने लगा और उनकी देख रेख करने लगा। सवेरे ही सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे उस ओर ले जाता और जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता, यानी वो क्या करता मोर कि सुबह लेखिका जिस तरफ दाना देती या जो भी दाना देने आता उस तरफ सारे पशु पक्षियों को ले जाता, पक्षियों को, और क्या कहता सारे दाना खा लो, और जो भी गड़बड़ करता दाना खाने में या लड़ाई झगड़ा करता तो उनको अपनी चोंच से मार कर उसे सजा देता या दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत क्रुदन न करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रखता, यानी वो क्या करता छोटे
खरगोश के जो बच्चे चौच उनके कान पकड़ कर, खरगोश के बच्चे यदि उधम मचाते तो क्या करता, कान पकड़कर उनको ऊंचा कर लेता और जब तक नहीं छोड़ता था, जब तक उसके कान में क्या नहीं हो जाए, छेद नहीं हो जाए, लटकाए रखता उनको। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णधार संस्कार हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता, कानों में छेद हो जाता वो लटका, क्योंकि मोर की जो चोंच होती है वो पैनी और तीखी होती है। पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम असाधारण था। प्राय वह मिट्टी के पंख में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उनकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुएल सा खेल खेलते रहते, यानी उन सबको दंड वगैरह भी देता तो भी ये सारे जो पक्षी वहाँ पे रहते थे वो क्या करते, जैसे ही मोर बैठ जाता पंख फैलाकर तो उनके पंखों के बीच वो सारे खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। एक बार ऐसे ही पंखों को फैलाकर बैठा रहता है मोर और उधर सांप पहुंच जाता है। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यानी जैसे ही उस चिड़ियाघर के अंदर एक सांप चला जाता है जो बाड़ा बना हुआ था पालतू पक्षियों का, तो क्या होता है, सारे पशु पक्षी तो इधर उधर भाग जाते हैं और बेचारा एक छोटा सा जो खरगोश का बच्चा है वो सांप की पकड़ में आ जाता है। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, यानी सांप क्या करना चाहता तो उसको निकलना चाहता था, इसलिए उसका आधा जो पिछला शरीर का हिस्सा था वो अपने मुंह में दबा दिया। शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेटकर सर के एक झपटे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। यानी होता क्या है, उस चिड़ियाघर में मोर बैठा होता है, सारे पक्षी भी आसपास खेल रहे होते हैं, लेकिन एक दम से वो सांप आ जाता है, सारे इधर उधर चले जाते, लेकिन ये खरगोश के बच्चे को पीछे से पकड़ लेता है। अब वो जोर जोर से खरगोश का बच्चा चाहे तो भी ची ची की बेचारा आवाज़ नहीं निकाल पाता, लेकिन उसकी मंद आवाज़ ऊपर बैठा मोर सुन लेता है और वो झटके से नीचे आता है। अब वो उस घायल खरगोश को यदि सांप ने मुंह में पकड़ रखा है तो मुंह पे तो वो उसको चोंच मार नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। उसने क्या किया, सांप के फन को पंजों से पकड़ा, फिर उस पे ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किए, वो अधमरा हो गया, यानी वो घायल हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु नीचेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। यानी उस मोर ने क्या किया, सांप का फन पकड़ के चोंच मार के उस सांप को तो घायल कर दिया और खरगोश के बच्चों को छुड़वा भी दिया, लेकिन खरगोश के बच्चे को आधा पकड़ रखा था उस सांप ने, इसलिए वो क्या हो गया, नीचेष्ट यानी अचेत अवस्था में हो गया, बेचारा घायल हो गया, चुपचाप गतिहीन, यानी अब वो चल नहीं पा रहा था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी, माली तक पहुंचा दी। फिर हम सब पहुंचे नीलकंठ। जब सांप के दो खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उसे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुनना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है। खरगोश का बच्चा वहाँ पड़ा। अब राधा क्या करती है, राधा वो जो मोरनी होती है वो अपने किसी भी तरीके से जो वहाँ का माली होता है चिड़ियाघर को संभालने वाला उस पर ये सूचना पहुँचा देती है किसी भी तरीके से कि हमारे चिड़ियाघर में खरगोश का बच्चा घायल हो चुका है। उसके बाद लेखिका और उसका परिवार वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वो सांप के दो खंड कर चुका है यानी वो सांप को मार चुका होता है मोर, शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे सुलाया, यानी उस जो घायल हुआ वो खरगोश था उसको क्या किया, मोर ने अपने पंखों के नीचे सुलाकर उसको उष्णता देता रहा। इसलिए कवित्री लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है आपको पता है, भगवान शंकर के पुत्र, और उनके उनका वाहन कौन है, मयूर मोर। इसलिए कहती है लेखिका यहाँ पर कि
कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आता है। यानी मयूर का, मोर का स्वभाव यहाँ पे कितना है, दयालुपूर्ण है, इसलिए वो सब पर क्या करता है, दया करता है और सबकी देख रेख करता है। इसीलिए लेखिका कहती है, अब मुझे पता चल रहा है कि शंकर भगवान के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने मोर को अपना वाहन ऐसे ही नहीं चुना, क्योंकि मोर के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण होने के कारण उन्होंने अपनी सवारी के रूप में मोर को चुना। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी हैं, हिंसक मात्र नहीं, इससे उस बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जानवर जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है, अपन चील और बाज की श्रेणी में मोर को नहीं रख सकते, क्यों, चील और बाज तो सबको मार कर खाते हैं लेकिन मोर को उस श्रेणी में नहीं रखते। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब वह नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य शम पर ठहर जाता था। यानी इस यहाँ पर कवि लेखिका ने क्या क्या है, मोर के जो जिस तरीके से वो नाचता है उसके नाचने का वर्णन किया है कि वो सरल तरीके से नाचता है लाए और ताल पर ठुमके लगा लगा कर। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, गति यानी उसकी चाल में भी एक छंद रहता, यानी वो मोर की तरह नाच तो नहीं सकती लेकिन उसकी चाल में भी अलग ही मजा है। यह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाई ओर निकल आती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में एक पूरक ताल परिचय मिलता था। यानी जैसे मोर नाचता था तो वो मोरनी जो राधा थी वो क्या करती, कभी दाएं से बाएं कभी बाएं से दाएं उसके चारों ओर चक्कर लगाती, वो उसकी गति में बिल्कुल अद्भुत ही थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी नीलकंठ जो मोर था उसको ये पता कैसे चल गया, लेखिका कहती ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही लेखिका वहाँ जाती वो क्या करता, नीचे आ जाता और अपने पंख फैलाकर नृत्य की मुद्रा बनाकर खड़ा हो जाता। तब से ये नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। यानी रोज जैसे ही लेखिका वहाँ जाती तो मोर क्या करता, अपने नाचने की मुद्रा बनाकर वहाँ खड़ा हो जाता। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुँच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता। यानी लेखिका के साथ जो विदेशी लोग या अतिथि जो भी आते थे देसी विदेशी, वो उनको उस अपने चिड़ियाघर दिखाने जैसे ही ले जाती तो वो लोग उस मोर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते, विस्मय में डूब जाते। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही लेखिका को देखता तो नृत्य की भंगिमा बनाकर आकर खड़ा हो जाता, ऐसा लगता उनको कि वो उसका स्वागत कर रहा हो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। किसे? मोर को, कि ये परफेक्ट जेंटलमैन है जो हमारा क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था, हंसी भी आती थी, विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी वो क्या करता था, जैसे ही लेखिका उसको भुने हुए चने वगैरह देती थी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी हथेलियों से उठाकर खाता था, तो लेखिका को कभी कभी हंसी भी आती थी और उसको आश्चर्य भी होता था। और वो जो फूल पत्तों से बने हुए जो फल वगैरह होते थे वो भी उनको खाता रहता था, लेकिन जिस तरीके से वो हथेली से खाता था वो लेखिका को बिल्कुल बिना नुकसान पहुँचाए, क्योंकि उसकी नुकीली चोंच होती थी, कई हथेलियों में लग भी जाती लेकिन वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठाकर खाता था। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लज जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते
थे। आपको खुद को भी पता होगा कि वर्षा ऋतु होने से पहले मोर आपको पता नहीं जोर जोर से बोलने लगते, यानी मोर को पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। और तब उनकी मंद कैका की गूंज अगूंज तीव्र से तीव्रतर हो होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। उसके कैका का स्वर उतना ही मंद्र से मंदतर हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बाया पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों को गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी वो क्या करता, मोर जैसे ही बारिश आती तो आपको पता ही है मोर बोलते रहते हैं। पहले जैसे बारिश जोर जोर से आने लगती, बिजली कड़कने लगती और जोर जोर से रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती, तो उसका स्वर जैसे पहले तो बहुत तेज होता था बारिश नहीं आती उससे पहले तो, और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो पहले धीमे धीमे होता हुआ बिल्कुल धीमे हो जाता है और वो आनंद से बारिश में नाचने लगता है। और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो अपने पंखों को सुखाने के लिए दाएं पंख को दाएं पंख में और बाएं पंख को बाएं पंख पे रखकर दोनों आपस में क्या करते रहते, एक दूसरे के पंख सुखाते रहते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले ही समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी की ओर सफ़ेद दौरे से कान में बंधी एक ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यानी एक दिन वो वापस उस रास्ते से निकलती है जिधर वो बड़े मियाँ की दुकान है। लेकी का मन में सोचती है मैं उधर नहीं देखूंगी, लेकिन उधर वो क्या करती है, उस बड़े मियाँ की तरफ ही देखती है, पशु पक्षियों को नहीं देखती। लेकिन फिर भी क्या होता है, पर बड़े मियाँ की पैरों की पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। यानी वो बड़े मियाँ के सामने देखकर निकलना चाहती थी, लेकिन उस बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी उसे वो अनदेखा नहीं कर पाई। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। यानी ये मोरनी क्या थी, बेचारी जख्मी हो रखी थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी कंबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती हैं, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। यानी अब बड़े मियाँ क्या कहते हैं कि ये बेचारी को देखो ना, कंबख्त चिड़ीमार ने कैसा हाल कर दिया इसका और यहाँ पर छोड़ के चला गया, मैं तो चाहता था उसको वापस दे दूँ, लेकिन ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। वो कहते हैं कि उस जिस तरीके से उसने चिड़िया को पकड़ा था तो उसके पांव क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, आप ना आई होती तो मैं उसे उसी के सिर पर पटक देता। ये यानी वो कहता है कि आप अभी अभी वो चिड़ीमार इसको देखे गया और उसने जिस तरीके से इसको पकड़ा ये बेचारी घायल हो गई, यदि आप नहीं आती, लेखिका से कहता तो ये वे वापस उस चिड़ीमार को दे देता, लेकिन अब मैं आपसे भी कैसे कहूँ इस अधमरी मोरनी को ले जाइए। यानी ये उनके बेचने का तरीका है पक्षियों को कि किस तरीके से वो उसको बेच सके, इसलिए वो जो उनके भाषा उनकी बोली में जो चंचलता है वो देखकर वो लेखिका भी पहचान जाती है कि ये क्या चाहता है। सारांश ये है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। यानी लेखिका ने क्या किया, उस अधमरी मोरनी को देखा और घर ले आई और क्या, कितने रुपए देकर, 7 रुपए देकर, और अपनी जो अगली सीट है वहाँ पर रखकर घर लेकर आई गाड़ी में डालकर, और वही पढ़ने लिखने वाला कमरा क्या बन गया, अस्पताल। यानी अब उसकी मोरनी की क्या करने लगी, वो मरम पट्टी करने लगी, पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियाँ वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने
लगी, यानी अब वो मरम पट्टी करने वो ठीक तो हो गई लेकिन वो डगमगाती हुई चलने लगी, यानी ठूट यानी इकट्ठे हो गए उसके पंजे। कैसे हो गए? इकट्ठे हो गए हुए हुए पंजों पर कैसे डगमगाती यानी लंगड़ाती हुई बेचारी चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, यानी उसका नाम क्या रखा था? कुब्जा। अब तक एक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, यानी पहले जो मोर और मोरनी के बच्चे लेकर आई थी नीलकंठ और राधा, जिसका नाम रखा था लेखिका, वैसे तो वो साथ में रहते थे और जैसे ही ये कुब्जा नाम की मोरनी वहाँ गई, जैसे ही दोनों को साथ में देखती और क्या करती, उन दोनों को मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, यानी राधा कौन थी? मोरनी। तो उसकी कलंगी उसने क्या कर दी? नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी, यानी यहाँ पर यह दूसरी मोरनी जो कुब्जा आई वह उस मोर के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो क्या करती थी? उस राधा को मारती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न ही वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, यानी इतने पक्षी थे पशु पक्षी उसमें, किसी से उस कुब्जा ने मित्रता नहीं की और वो क्या चाहती थी? नीलकंठ और मोर के नज़दीक वो किसी पशु पक्षी को आने देना नहीं चाहती थी। इसी बीच राधा ने दो अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, यानी जो मोरनी थी उसने दो अंडे दिए और उसको अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़ ठूस जैसे पैरों से सब और छितरा दिए, यानी उस कुब्जा ने क्या किया? बेचारे मोरनी के अंडे तोड़ दिए और उनको तितर बितर कर दिया, यानी इधर उधर बिखेर दिया, अंडों को चितरा कर दिया, चारों तरफ फैला दिया और उसको भी मारा। किसको? राधा को। ये हो गया अपने इस पार्ट का भाग एक पूरा, आगे वाला कल। धन्यवाद।